बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टाइपिंग वर्क और राइटिंग जॉब बहुत सारी ख्वातीन, बच्चे और जो मेरे बहन भाई करना चाहते हैं, जिनको समझ नहीं आती कि काम क्या करना है, कहां पर करना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूं जिसका इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा स्कोप है और जो टाइपिंग करके आप पर वर्ड के हिसाब से पैसे कमा सकते हैं, पर पेज के हिसाब से कमा सकते हैं, पर पैराग्राफ के हिसाब से आप अच्छी खासे पैसे कमा सकते हैं। और इसका स्कोप कितना है कि ये ना ख़त्म होने वाली चीज़ है, और लोग किस तरह से कमा रहे हैं और आप किस तरह से कमा सकते हैं, ये सारी चीजें आज की वीडियो में देखेंगे। लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि आप वीडियो गौर से देखेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं तभी आप कमा सकेंगे, अगर आप कोशिश करेंगे। वो हजरात जो 20-25 साल से जिन्होंने कुछ नहीं कमाया, 15-16 साल पढ़ने के बाद, वो ये चाहते हैं कि 10-15 मिनट की वीडियो देखकर एक जादू का चिराग, एक जिन निकलेगा और वो पूछेगा क्या हुक्म है मेरे आका, तो आप कहेंगे पैसा चाहिए, वो पैसा दे देगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये ख्वाब देखना छोड़ दें। कोई भी आपको यूट्यूब पर हो, टीचर हो, कुछ भी ऐसा हो, 10-15 मिनट में कुछ जादू का चिराग आ जाए और पैसे मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता। मेहनत करनी है तो वीडियो देखो, कोशिश करनी है तो वीडियो देखे, नहीं करनी तो जाके चिराग रगड़ो। चलें चलते हैं स्क्रीन पर। लेकिन अगर आपने मिस्टर मानवा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हम बार बार मिलते रहें। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो, अमेजिंग तरीका कर मैं आप तक लाता रहूं, आप तक पहुंचाता रहूं, ताकि कोई ना कोई एक वीडियो तो आपकी अर्निंग का जरिया बनेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, आपने पूरी कोशिश करनी है समझने की। चलते हैं जी स्क्रीन पर, काम कैसे करना है, काम की टेक्निक क्या है, किस तरह से करना है, और वो खलाई मखलूक भी दिखाऊंगा जो बंदे ये काम करके अच्छी खासी इनकम कमा रहे हैं, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। चलते हैं जी स्क्रीन पर, काम कैसे करना है फिर कह रहा हूं, वीडियो गौर से देखनी है, समझनी है, सीखनी है। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। रिस्क देना अल्लाह का काम है और समझना आपका काम है। चलते हैं जी स्क्रीन पर, काम कैसे करना है जी। तो दोस्तों सबसे पहले हम आ गए वेबसाइट सेटअप पर। वेबसाइट सेटअप पर आए, यहाँ पर हमें जो बता रहा है कि हाउ मैनी वेबसाइट अ डे, यानी एक दिन में न्यू वेबसाइट पर डे न्यू वेबसाइट कितनी, यानी एक दिन में कितनी वेबसाइटें बन रही हैं। एक दिन में 5,76,000 रोज़ाना नई वेबसाइटें बन रही हैं, तैयार हो रही हैं डेली की। ये एवरेज बता रही है कि वेबसाइट एक दिन में कितनी वेबसाइटें बन रही हैं। ये जो रिज़ल्ट है ये हमारे सामने आ गया, यानी एक दिन में इतनी वेबसाइटें बनती हैं, 5.5 लाख वेबसाइट एक दिन में बनती है। तो इन वेबसाइटों के ऊपर जो काम होता है, यानी जितना भी आर्टिकल, जितने भी कंटेंट, जितना भी ये लिखा जाता है, तो हर वेबसाइट पर डेली 8 से 10 कंटेंट लिखे जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हाउ टू डिलीट पेज इन वर्ड लिखा मैंने, चंद ही सेकंड में यहाँ पर लाखों करोड़ों रिजल्ट आ चुके हैं, यानी लाखों करोड़ों रिजल्ट आ चुके हैं चंद ही सेकंड में। इसका मतलब है कि इस वक्त 2 अरब वेबसाइटें हमारे सामने आ चुकी हैं। यानी सिर्फ हमने क्या लिखा है, हाउ टू डिलीट इन पेज इन द वर्ड इन वर्ड, ये लिखने पर हमें जितने भी कॉन्टेंट थे, जितनी भी वेबसाइटें थी, सिर्फ सारी वेबसाइटें इसी के मुतालिक हमें बता रही हैं। ये जितनी भी हैं, हमने सिर्फ जो टाइटल लिखा है उसी टाइटल के मुतालिक गूगल ने हमारे सामने टोटल रिजल्ट दे दिया है। जैसा कि हमने लिखा हाउ टू डिलीट अ पेज इन गूगल डॉक्यूमेंट्स, यानी गूगल वर्ड। तो जितनी भी वेबसाइटें हैं सारी एक ही कैटेगरी के ऊपर लाखों करोड़ों अरबों वेबसाइटें बनी पड़ी हैं। इन वेबसाइटों पर जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है, इसे कहते हैं कॉन्टेंट। हर वेबसाइट के ऊपर डेली का डेली 8 से 10 कॉन्टेंट डेली अपलोड होते हैं, डेली डाले जाते हैं, डेली डालते हैं। तो इन वेबसाइटों को ओनर को पैसे मिलते हैं, और इस एक वेबसाइट के ओनर को कम से कम कंटेंट राइटर की 8 से 10 बंदे जो एट अ टाइम डेली इसकी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट डालते हैं, उसे बंदों की जरूरत होती है, उन्हें राइटर की जरूरत होती है इन वेबसाइटों के ओनर को। अब ये जो कंटेंट है, फॉर एग्जांपल अब मैंने एक नया टैब लिखा यहां पर, जैसे मैंने लिखा लैपटॉप। अब लैपटॉप लिखा तो आपके सामने 4.5 अरब रिजल्ट सामने आ चुका है, यानी 4.40 अरब इस वक्त वेबसाइटें जो हैं लैपटॉप के मुतालिक, सिर्फ हमने लैपटॉप लिखा इतनी वेबसाइटें आ गई, यानी करोड़ों अरबों वेबसाइटें पड़ रही हैं। इन वेबसाइटों के ऊपर जो लिखा हुआ आपको यहाँ पर मिलता है, जैसा कि यहाँ पिक के नीचे जो लिखा हुआ हमें मिलता है, इसे कहते हैं कंटेंट। ये जो कंटेंट है ये कौन लिखते हैं, ये आप लिखते हैं, ये राइटर लिखते हैं। इन राइटर, क्योंकि ये ओनर होते हैं वेबसाइट, ये खुद नहीं लिखते, ये काम लिखवाते हैं अदर मेम्बर से, अदर राइटर से। ये जो आपके सामने है ये देखें, जितना भी ये कॉन्टेंट है
ये राइटर लिख के देते हैं, और जो इस काम को कहते हैं कंटेंट राइटर। जो मैं मेरा आपको समझाने का जो मतलब है, पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये काम है क्या और ये काम किन वेबसाइटों के ऊपर कैसे होता है। यानी जितनी भी वेबसाइट हैं, इन सब वेबसाइटों को कंटेंट राइटर की ज़रूरत होती है। आजकल जदीद दौर है, जितने ज़्यादा लोग हैं, जितने ज़्यादा राइटर हैं, फिर भी कम है। कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही इस काम की मांग, इस काम की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा ये जितनी डेली की, अब देखें एक दिन में 5,76,000 वेबसाइटें बन रही हैं, जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया। अब एक दिन में जो 5,76,000 वेबसाइटें बन रही हैं, इन 5,76,000 वेबसाइटों को कम अज़ कम एक वेबसाइट वाले को 8 से 10 कंटेंट राइटर की ज़रूरत होती है। अब आप ज़रब लगा लें, 5,76,000 वेबसाइटों को ज़रब लगा लें 8 के साथ, तो कितने बनते हैं? इतने राइटर डेली का, एक दिन में इतने राइटर की ज़रूरत होती है। अब डेली जितने भी लोग आते हैं वही काम है, यानी कंपटीशन बहुत ही कम है, काम की मांग बहुत ज़्यादा है, काम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप जो भी वेबसाइट खोलेंगे उसी वेबसाइट के ऊपर जो ये आपको लिखा हुआ मिलता है, इसे कहते हैं कंटेंट। ये कैसे लिखना है, कैसे करना है, ये सारी तफसील मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। पहले मैं आपको काम समझा रहा हूँ कि ये काम है क्या, बेसिकली इस काम की वैल्यू क्या है, इस काम के ज़रिए आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, इस काम के ज़रिए लोग कितना पैसे कमा रहे हैं, कितना कमा चुके हैं, ये सारी तफसील मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अब हम मैंने आपको पहले काम समझा दिया, अब आपको काम करके दिखाता हूँ। अब हम आ गए गूगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। गूगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आ गए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप दुनिया की कोई भी किसी भी टॉपिक के ऊपर कंटेंट राइटर लिखना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से जो आपको अच्छा लगता है आप उसके ऊपर लिखना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको उसी काम की मांग बहुत ज़्यादा है। सिर्फ आप कोशिश करें, मेहनत करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा लैपटॉप लिखा, आप लैपटॉप के ऊपर कॉन्टेंट बना सकते हैं, आर्टिकल बना सकते हैं, आप जिस चीज़ पर पूरा भी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा आंट यानी चीड़ियाँ, कीड़ियाँ जितना भी है इनके ऊपर मैं आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर लिखा आंट एनिमल। इस वक्त कितने रिजल्ट आ गए, इस वक्त 6,00,000 वेबसाइटें हमारे सामने आ चुकी हैं, और सॉरी 60,00,000 वेबसाइटें, 60,00,000 देखें आपके सामने 59,000 वेबसाइटें सिर्फ 40 सेकेंड में हमारे सामने आ चुका है रिजल्ट। इस वक्त 60,00,000 वेबसाइटें पड़ी हैं सिर्फ आंट के ऊपर। अगर आप इसके ऊपर बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। दुनिया में जितने भी टॉपिक हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, चरिंद परिंद हैवान जो भी आप बनाना चाहते हैं, आर्टिकल आप सिंपल से आसान लिख सकते हैं। अब देखें जैसा कि मैंने इस एक वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसे कहते हैं कॉन्टेंट। ये कॉन्टेंट लिखना कैसे है, कहाँ से मिलेगा, प्लेगरिज्म कैसे है, ग्रामरली चेकिंग कैसे है, ये सारी तफसील मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा कि आसान से आसान जरिया आप किसी भी टाइपिक के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप आसानी से यहाँ पर आकर कंटेंट लिख सकते हैं, पिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखने के बाद आप अपने क्लाइंट को सेंड करेंगे, आपके क्लाइंट आपको उसकी पेमेंट अदा करेगा, और सिंपल से आसान से काम है। इस काम के ज़रिए लोग लाखों रुपए, करोड़ों रुपए डेली का अर्निंग कर रहे हैं। अगर वो कमा रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। ये सारा सिंपल सा आसान सा काम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 किस्म के कंटेंट राइटर हैं, यानी 4 वेज कंटेंट राइटर। ऑटो कंटेंट राइटर है, यानी इसमें ऑटोमेटिक जो, यानी जो आप टॉपिक देंगे ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद कॉपी पेस्ट आर्टिकल राइटर है, यानी कॉपी पेस्ट आप किसी और का उठाएंगे और अपने वेबसाइट के ऊपर या अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तैयार करेंगे, फिर प्लेजरिज्म फ्री करेंगे, सारा ग्रामरली चेकिंग करेंगे। उसके बाद आ गया कॉन्टेंट राइटर फॉर फेसबुक, उसके बाद आ गया फ्री ऑटो आर्टिकल राइटर। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं कि ऑटोमेटिक आर्टिकल कैसे लिखते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया, यहां पर जैसा कि मैंने लिखा चैट जीपीटी, लिखने के बाद मैंने यहां पर ट्राई चैट जीपीटी पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहां पर मेरे सामने चंद ही सेकंड में हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब हम यहां पर आने के बाद जैसा कि ऑटोमेटिक आर्टिकल हमें लिखा लिखा मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर किसी भी एक टॉपिक के ऊपर लिखना है, मैंने लैपटॉप को कॉपी कर लिया, लैपटॉप को मैंने यहाँ पर आकर मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैंने आगे लिख लिया कि लैपटॉप 2023 मॉडल, मैंने सिर्फ यही लिखा, यही टॉपिक लिखा, सिर्फ क्लिक किया, और ये देखिए आपके सामने लिखा लिखाया आर्टिकल इस वक्त आ रहा है और ओरिजिनल है, अथेंटिक है, कोई प्लेजरिज्म नहीं है, कोई ग्रामरली चेकिंग नहीं है, ये 100% श्योर है, यूनिक है, आपके सामने है। सिर्फ आपने यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद ये वेबसाइट आपको चंद ही सेकेंड में, अब कितना टाइम जस्ट ऑफ जस्ट 30 से 40 सेकंड लगे होंगे। हमने सिर्फ टॉपिक का नाम लिखा और ऑटोमेटिक यहां पर हमारे सामने मुकम्मल कंटेंट आर्टिकल लिखा हुआ हमारे सामने आ चुका है। फिर हमने इसे करना है कॉपी।
कॉपी करने के बाद यहाँ पर जैसा कि हमने लैपटॉप के ऊपर अब ये आर्टिकल लिखा था, कंटेंट लिखा था, तो हमने लैपटॉप को यहाँ नीचे आके उसी जगह पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद हमने इसका टाइटल सेट कर लेना है, इसके अंदर पिक अपलोड कर लेनी है और ये आपके सामने इस वक्त तैयार हो चुका है। सिंपल सा काम है, आसान सा काम है। ये सारी तफसीलें, ये जितने भी मैंने आपको चार वेज बताए हैं कॉन्टेंट राइटर के, सारे मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक भी है, आप जाएँ क्लिक करें, जो चीज़ समझ नहीं आती फिर देखें, जो चीज़ समझ नहीं आती मुझसे पूछें, मैं आपको समझाऊंगा। सिर्फ वीडियो गौर से देखें, स्किप ना करें, स्किप करेंगे तो कोई चीज़ मिस हो जाएगी, फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो ऐसे ही सिंपल से आसान से तरीके, आप इसकी लैंग्वेज, इसका स्टाइल, इसके कलर, इसकी सारी सेटिंग पैराग्राफ में करना चाहते हैं कर सकते हैं, सारी सेटिंग यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग करने के बाद आप सेव करने के बाद अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। और इस काम की मांग, इस काम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, सिर्फ बंदों की तादाद बहुत कम है। आप देखें डेली एक दिन में कितनी वेबसाइटें बन रही थी, मैंने आपको लाइव दिखाया है कि एक दिन में 5,76,000 एवरेज आ रही है, 5,76,000 डेली एक दिन में वेबसाइटें तैयार हो रही हैं। अब उन वेबसाइटों को कंटेंट राइटर की भी तो ज़रूरत होती है, यही काम था। अब मैं बता रहा हूँ, काम पहले समझा दिया फिर करके दिखा दिया, अब मैं बता रहा हूँ कि इस काम से लोग कितना पैसा कमा रहे हैं और आप कितना कमा सकते हैं। जैसा कि हम फेवर पर आ गए, फेवर पर आने के बाद हमने यहाँ पर लिखा कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर लिखने के बाद हमने सिर्फ कंटेंट राइटर लिखा, सारी सर्विस इस वक्त हमारे सामने आ चुकी हैं, जितने भी गिग्स हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं हमारे सामने आ चुके हैं। अब इनमें से किसी भी एक गिग पर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि इनका बेसिक रेट क्या है, इन्होंने कितने कमा लिए। अब देखें जितने भी ये बंदे हैं, जितने भी ये अकाउंट हैं, गिग्स हैं, कोई बंदा ऐसे फजूल घर नहीं बैठा, हर बंदा काम कर रहा है। अब ये देखें, जैसा कि मैंने एक वेबसाइट के ऊपर, एक गिग के ऊपर क्लिक किया, आई विल राइट कंटेंट योर वेबसाइट, यही काम मैंने आपको समझाया था, यही काम आपके सामने आ चुका है। और इसी काम पर इस बंदी ने कितने पैसे कमा लिए हैं। अब इसका बेसिक रेट कितना है, $100 इसका बेसिक रेट है, यानी आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत में इसने कम रेट रखा होगा, उसके बाद जैसा जैसे इसका काम अच्छा होता गया इसने अपना रेट भी बढ़ा दिया। अब आप नॉर्मली आप $10-$20 रखें बेसिक रेट, ताकि जितना कम रेट होगा उतना ही ऑर्डर मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं, उतने ही ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं। फिर बाद में जैसे जैसे आपके काम की वैल्यू बढ़ती जाएगी फिर आप रेट बढ़ाते जाएंगे। अब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं, 100 को हमने ज़रब दिया 280 के साथ, 28,000 बना, 280 आज का $1 का रेट है, 28,000 ये बेसिक रेट एक ऑर्डर का ले रही है। अब इस 28,000 को हम ज़रब देते हैं 1712 ऑर्डर ये कंप्लीट करके अपने क्लाइंट को सेंड कर चुके हैं। कितनी पेमेंट बनी, 4,79,36,000 रुपए ये बंदी सिर्फ कॉन्टेंट राइटर का काम करके ये कमा चुकी है। आपके सामने ये लाइव प्रूफ है, लाइव आपको मैंने दिखाया है, एक एक क्लिक करके, एक स्टेप करके। आप अभी जाएं फाइवर पर, यहाँ पर इसका नाम सर्च करें, ये सारी तफसील है, आप स्क्रीनशॉट लें, इसका बायोडाटा चेक कर लें, अथेंटिक है आपके सामने। अगर ये काम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं करते, इनके भी यही दो आंखें, यही हाथ, यही सब कुछ है। इसके बाद हम आ गए, इसके बाद फाइवर पर आ गए, फाइवर पर आने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ अपवर्क के ऊपर। अपवर्क पर आने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा कॉन्टेंट राइटर। कॉन्टेंट राइटर लिखने के बाद यहाँ पर जो हमें सर्विस है कि हम पर हवली रेट भी कमा सकते हैं, पर हावरली भी काम कर सकते हैं, पर फिक्स प्राइस बजट के हिसाब से भी काम कर सकते हैं, जितना भी है यहाँ पर, जितनी भी ये इस वक्त सर्विस हैं, इस वक्त जॉब हैं, ये सिर्फ आपके इंतजार में पड़ी हैं। इस वक्त इन जॉबों को किसी ने क्लिक नहीं किया, क्योंकि ये देखें ये 11 मिनट पहले पोस्ट हुई है, ये 30 मिनट पहले पोस्ट हुई है, ये 25 मिनट पहले पोस्ट हुई है, यानी 25 मिनट में, हर 10 मिनट में, हर 2 मिनट में नई जॉब आ रही है। आप क्लिक करें, अप्लाई करें, यहाँ पर आपको पर हावरली रेट मिल जाएगा, बजट है जो 6 महीने का प्रोजेक्ट है, एक घंटे का आपको पे करते हैं, ये सारी पेमेंट वेरीफाई है, जिसके ऊपर पेमेंट वेरीफाइड के ऊपर है उसके ऊपर आपको अच्छा लगता है, यानी ये काम आप कर सकते हैं, आपको समझ आता है, उसके ऊपर आप क्लिक करें। ये देखें फुल टाइम कंटेंट राइटर मांग रहा है, ब्लॉग राइटर मांग रहा है, ये 30 घंटे एक हफ्ते में दे रहा है, जितना भी इंटरमीडिएट लेवल मांग रहा है, पेमेंट है, सारा कुछ ये सर्विस दे रहा है, स्किल मांग रहा है। आप अप्लाई करें, काम करें, सारी चीज़ें आपकी मुंतजर हैं, सिर्फ आप कोशिश करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह ताला ज़रूर देगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि हम बार बार मिलते रहें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस, अमेजिंग आइडियाज मैं आप तक पहुंचाता रहूं, आप तक लाता रहूं। कोई ना कोई एक वीडियो तो आपकी अर्निंग का जरिया बनेगी, और जिन्हें इस काम की जरूरत है उन्हें भी ये काम समझाएं, उन्हें भी काम सिखाएं, और आप भी मेहनत करें। यह सिंपल सा काम था, आसान सा काम था, जो मैंने आपको लाइव करके दिखाया। ओके जनाब, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।